अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम हिना इशफाक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन। जैसे हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, हमने एजिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की थी। इसी तरीके से जो है हम पेन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, ठीक है। पेन पेन कितनी तरह की पेन्स होती हैं, ठीक है, और पेन में फर्दर जो है वो किस किस तरह से जो है वो हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी जो है वो उन चीज़ों की वजह से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं आपकी जो है वो, आप जब कोई भी किसी किस्म का भी जब दर्द होता है तो हम किन 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 चीज़ों को फेस करते हैं, वो चाहे वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए चाहे साइकोलॉजिकल स्टार्ट हो जाए, तो इसमें जो है वो हम उसकी सिवेरिटी पर भी डिस्कस करेंगे और इसमें जो है वो पेन किस तरह की होती है और उसको जब ये चीज स्टार्ट होती है तो हम जो है वो किन किन चीजों को फेस करते हैं और हम इमोशनली कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी कॉग्निटिव लेवल कितना जो है वो डिस्टर्ब होता है, हमारे इमोशंस कितने डिस्टर्ब होते हैं, हम बायोलॉजिकल कितने डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे और जो है वो कितनी तरह की पेन है और जब ये स्टार्ट होती है तो क्या ये बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, इसकी कैसे हमने इसको रूल आउट करना है, कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसकी असेसमेंट करनी है, तो हमारे टॉपिक में आज हम सारी ये चीजें डिस्कस करेंगे। पेन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन पेन एज एन अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन, इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइकोसोशल जो है, जिसमें जैसे साइकोलॉजिकली और सोशली और बायोलॉजिकली, जैसे आपको एक हम लोगों ने ऑलरेडी सर ने आपको एक बायोसाइकोसोशल मॉडल भी दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम पेन की असेसमेंट करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है तो हमने उसको जो है वो डिटेल में जो उसकी असेसमेंट करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। और हमने साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन कितनी तरह के जो है वो चीजों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कॉन्टेंट एंड द क्वालिटी ऑफ साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ पेन, मीनिंग ऑफ द पेन टू द इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, साइकोसोशल फैक्टर्स एट होम एंड एट वर्क, पास्ट साइकेट्रिक मोबिडिटी, इंटेंसिटी ऑफ पेन, कल्चरल सेटिंग्स ऑफ द पेन, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू जो है वो हम अपने क्लाइंट की जो है वो असेसमेंट भी करेंगे और ये जो है वो हर एक की इंडिविजुअल असेसमेंट होगी कि हर एक इंडिविजुअली जो है वो किस तरीके से जो है वो इस चीज को महसूस करता है, कैसे वो इस चीज को फील कर रहा है। हर एक का अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी, अपनी एक पर्सनैलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेन का क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो उसको ये स्टार्ट हुई है, क्यों हुई है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, वो सारी जो है वो हम उसमें रूल आउट करेंगे कि उसकी कोई पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ पेन कितनी है और वो किस तरह के कल्चर से बिलोंग करता है और उसका वर्कलोड क्या है, उसके साइकोसोशल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, इन सारी चीजों को जो है वो हम असेस करेंगे। नंबर वन पे आ जाती है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन में क्या है कि कैरेक्टराइज बाय इंटेंस टेम्परेरी नोक्शियस सेंसेशंस एंड इज रिलेटेड टू टिश्यू डैमेज, ठीक है। इसमें क्या है, एक्यूट पेन में माइनर सा उसको दर्द है, ठीक है, लेकिन और उसकी कैसे वो असेसमेंट करते हैं और वो कैसे आगे जो है वो चीजें बढ़ती हैं तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो किन किन चीजों को फेस करता है, किन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है और अगर वो उस चीज का इलाज नहीं करा रहा, अगर वो उसका भी स्टार्ट है, अगर उसका इलाज नहीं करा रहा तो ये चीज उसकी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। फॉर पेशेंट दैट डू नॉट एक्सपीरियंस एडुकेट एनग्लिसिया कैन लीड टू क्रोनिक पेन, इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड अफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एनालेक्सिया एज सून एज पॉसिबल ड्यूरिंग और इवन बिफोर एन एक्यूट पेन एपिसोड। पेन कैन बी अकम्पेड बाय एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड फिजिकल टेंशन विच कैन एग्रीवेट एंड और प्रोलोंग द एक्यूट पेन एपिसोड। इसमें क्या है कि जो हमारा क्लाइंट को अगर कोई इस तरह की कोई पेन स्टार्ट हो रही है तो हमें उसको रूल आउट करना है, उसको हमने जो है वो असेस करना है कि कोई किसी किस्म का स्ट्रेस तो नहीं चल रहा, कोई एंग्जाइटी तो नहीं चल रही है, उसकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब हमारे पास एंग्जाइटी का
या फिर जो डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो हम उसको जो है वो एक थेरेपी जो है वो रिकमेंड करते हैं 16 PMR, ठीक है। तो हम उसकी असेसमेंट करेंगे क्योंकि या क्या ये कहीं कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इस तरह की उसकी कोई चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से पेन है। अगर उसको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मरीज को ट्रीट करेंगे, और अगर उसका वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हम जो है वो अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करेंगे कि कहीं ऐसा ऐसा कि उसका वो दर्द है नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका थॉट प्रोसेस है जिसके पीछे वो सोचता रहता है कि उसको दर्द है। अगर कोई उसका इस तरह का कोई उसने चीज को फेस किया है या किसी एक्सीडेंट को फेस किया है या कहीं से उसको ऐसी चोट लगी है, वो ठीक तो हो गया लेकिन क्या है साइकोलॉजिकली जो है वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको पेन है। दीज एडिशनल फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल। अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू हेल्प पेशेंट्स कोप विद दीज एज वेल एज थॉट्स एंड इमोशंस दैट मे इंक्रीज physiological arousal and reduce the patient's sense of control. अब क्या है कि जब वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर रहा तो वो चीजें जो है उसकी एक्यूट जो चीजें हैं वो क्रॉनिक में हो जाएंगी, ठीक है। क्रॉनिक में क्या है कि एन अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज लास्टिंग बियॉन्ड द यूजुअल कोर्स ऑफ द एक्यूट डिजीज और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ हीलिंग, ठीक है। इसमें क्या है वो चीज उससे ज्यादा बढ़ जाती है। बायोसाइकोसोशल मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल में वही हम चीजों को असेस करेंगे कि उसकी बायोलॉजिकल चीजें हैं साइकोलॉजिकल हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हुए जो है हम प्रॉपर एक असेसमेंट करते हैं अपने पेशेंट की पेन की, ठीक है, बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली और सोशली। अनफॉर्चुनेटली मैनी पेशेंट्स विल व्यू पेन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिजीज, ठीक है, सीज क्रॉनिक पेन एज नॉट जस्ट डिजीज बट एज एन इलनेस। पेन सीन एज ऑन एंड ऑन गोइंग मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस रियलिटी वेटेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स चेंज ओवर टाइम। सोशल कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड इलनेस बिलीव एक्सपेक्टेशन हेल्थ केयर सीकिंग एंड अवेलेबिलिटी इन्वॉल्व सोशल एंड ऑपरेंट लर्निंग। कोग्नेटिव फैक्टर्स इंक्लूड थॉट्स अबाउट कंट्रोलेबिलिटी ऑफ पेन सेल्फ एफिकेसी कोग्नेटिव एरर्स एंड कोपिंग एबिलिटी। अफेक्टिव फैक्टर्स इंक्लूड लेवल्स ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी एंड एंगर। बायोलॉजिकल बायोसाइकोसोशल मॉडल में हम क्या है तीनों चीजों को तीनों फैक्टर्स को जब हम असेस कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं कि उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। फैक्टर्स कॉम्प्लिकेटिंग क्रॉनिक पेन, अब क्रॉनिक पेन के जो फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लिकेटिंग होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज है, हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, क्रॉनिक इलनेस, फैमिली डिस्कॉर्ड, ग्रीफ, सिस्टम इश्यूज, लीगल कंसर्न्स, फाइनेंशियल इश्यूज एंड मल्टीकल्चरल इश्यूज। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इन क्रॉनिक पेन, अब जो क्रॉनिक पेन है उसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारा पेशेंट फेस करता है, उसमें नंबर वन पे है इन्सोम्निया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन, लिथार्जी एंड फटीग। साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर, साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर में क्या है कि सच हमारा जो पेशेंट है उसको दर्द जो है वो सिर्फ फिजिकली ही भी है या सिर्फ जस्ट उसकी साइकोजेनिक पेन है कि उसको कोई जो वो थॉट्स मतलब उसकी एक प्रोसेस में चल रही है कि वो सोच रहा है कि मुझे दर्द है, ऐसा वो जो दर्द है वो उसको होती नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं साइकोजेनिक पेन, पेन डिसऑर्डर। साइकोजेनिक पेन आल्सो कॉल्ड साइकिलेगिया इज फिजिकल पेन दैट इज कॉज्ड इंक्रीज और प्रोलॉन्ग बाय मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल फैक्टर्स। हेडिक, बैकबोन और स्टमिक पेन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइकोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो इस तरह की जो पेन्स होती हैं, जैसे नंबर वन पे हेडिक है, बैकबोन और स्टमिक पेन है, ये साइकोजेनिक डिसऑर्डर की एक कॉमन टाइप्स हैं। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या है कि जैसे हमारा पेशेंट आपके पास पेशेंट आएगा ना तो वो इलनेस एंग्जाइटी में क्या होगा, अगर आप उसको कहेंगे ना आपको सर दर्द है तो वो कहेगा जी हाँ मुझे दर्द है, अगर आप उसको कहेंगे ना आपको बुखार है जी हाँ मुझे बुखार है, तो इलनेस एंग्जाइटी में आपको उसको जो चीज भी बोलते जाएंगे वो कहेगा जी हाँ ये भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, ठीक है। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग वो इलनेस एंग्जाइटी को कैसे डिफाइन कर रहा है, प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और रिक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस, सोमैटिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट और माइनर, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ एंड इजिली अलार्म्ड अबाउट हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। यानी उसको क्या है एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, हल्का सा उसको बुखार होगा वो फौरन जाकर ट्रीटमेंट करवा देगा।
अगर हर उसको हेडेक स्टार्ट हो रहा है तो फौरन जाके वो जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देगा, यानी उसको जो है हर वक्त हेल्थ इश्यूज रहना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, अपनी हेल्थ को लेके एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाएगी। परफॉर्म एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स, चेकिंग बॉडी और एग्जिबिट्स मेल अडेप्टिव अवॉइडेंस, अवॉइड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। पेन बिहेवियर सिक रोल, सिक रोल अब आप लोगों को पहले भी डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन सिक रोल मैं फिर आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि क्या है। एज सच, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे सर में दर्द है, अगर मुझे कोई काम टास्क दिया गया और मैं उसको क्या है कि मैं वो काम नहीं करना चाहती और मैं कहूँ कि मेरे सर में दर्द है, तो क्या है, मैंने उस काम को, उस चीज को, उस बिहेवियर, मैंने वो बिहेवियर ले लिया है, एक सिक रोल ले लिया कि मुझे वो टास्क नहीं करना। मैं उस चीज को अवॉइड कर रही हूँ कि मैंने ये टास्क नहीं करना, तो वो मेरा सिक रोल है। जैसे वो काम या वो टाइम गुजर जाएगा तो मैं ऑटोमेटिकली क्या है वो ठीक हो जाऊंगी। तो कुछ हमारी जो पेन्स होती हैं वो इस तरह की भी हो सकता है, अपने इस चीज को भी असेस करना है कि कहीं मरीज के वो ऐसा कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उसने कोई इस तरह का बिहेवियर तो नहीं अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। फंक्शनल डिसेबिलिटीज, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेज एंड डिक्रीज सोशल एक्टिविटीज, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में बेसिकली आ जाता है। उसकी फंक्शनल डिसेबिलिटीज क्या है, वो यूज ऑफ मेडिकेशन तो नहीं है, कहीं उसकी नींद तो नहीं प्रॉपर जो है वो पूरी हो रही, ठीक है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज है कहीं वो तो नहीं कम हुई हुई। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन, अब इसकी जो हमारी पेन है उसकी मैनेजमेंट क्या है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने उसकी मैनेजमेंट करनी हो तो हम उस पर किन चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है। अलाउइंग द पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, टेकिंग द पेशेंट व्यूज अबाउट द कॉज, डिस्कसिंग द प्रेपरेटिंग एंड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इन सारी चीजों को पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है वो एक प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो आपके साथ शेयर करे, ठीक है, और सारी जो चीजें डिटेल हम अपने क्लाइंट की जो है वो असेसमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले जो है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से, हम जो है वो मैनेजमेंट स्टेप्स उसमें आ जाते हैं। पहले है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग ट्रीटमेंट है, फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ठीक है। नंबर वन पे आ जाती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमें क्या करना होता है, टिपिकली यूजेस 45 मिनट सेशंस, यानी अब जब एक थेरापिस्ट जो है वो अपने पेशेंट की असेसमेंट करती है तो 45 मिनट का सेशन होता है, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंड आपने सेशन को नहीं करना होता। इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स एंड अ ब्रीफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री फॉलोड बाय एन असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग विद इन द फॉलोइंग डोमेन्स। अब ये बेसिकली जो डोमेन्स है जिसको हमने फॉलो करते हुए अपने पेशेंट को असेसमेंट करके और उसको साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली उसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, जैसे आपको बताया गया है कि उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। अब आपने उसकी फंक्शनिंग को भी असेस करना है और उसकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपने असेस करनी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री को आपने फोकस करना है कि पास्ट में उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं रही, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाना है। सोशल एंड रिक्रिएशनल, फैमिली इंक्लूडिंग ब्रीफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री, एजुकेशनल एंड वोकेशनल, मेंटल स्टेटस एंड करंट साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, इन सारी चीजों की आपने डिटेल असेसमेंट करनी है कि उसकी सोशल हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली में किसी को कोई इस तरह के प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री उसको रूल आउट करना है, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री को रूल आउट करना है, और एमएससी यानी उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी करनी है कि उसकी वजह से उसकी कोई साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग तो नहीं डिस्टर्ब हुई हुई। Not always needed, but dependent on referral questions and presenting problems. Typically involves administration of instruments, measuring personality, impact of illness, coping beliefs and expectations about pain and injury and psychological distress. May be completed in one or two testing sessions. अब इसमें आपने जो सिर्फ आपने जैसे मैंने पहले सारी डिटेल्स बता दी कि जिन जिन चीजों पे आपने फोकस करना है, और इसमें क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई इंटरवेंशन अपने पेशेंट पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा जो सेशन है वो 1 आवर भी हो सकता है और 2 आवर भी हो सकता है। वैसे मैक्सिमम जो हम अपना सेशन कंडक्ट करते हैं वो 45 मिनट है, जो जस्ट हिस्ट्री टेकिंग के लिए। साइकोट्रॉपिक ड्रग ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, रिलैक्सेशन मेथड्स, ऑफरेंट टेक्निक्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, सोशल स्किल ट्रेनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग एंड कॉपिंग स्ट्रेटेजीज अप्रोच। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है साइकोट्रॉपिक ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम एज ए ड्रग जो है वो कंसिडर करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एंड कोरिलेटिंग मैलडेप्टिव बिलीफ अप्रेजल्स एंड स्कीमास टू एलिवेट मूड सिम्टम्स एंड इंक्रीज कॉपिंग बिहेवियर।
अब हमने जब उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है तो हमने उन चीजों जो जिस तरह हम लोगों ने उसकी असेसमेंट की है तो उसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले हम उसकी बिलीफ देखेंगे, उसकी डिजीज को लेके, उसकी पेन को लेके, तो उसकी क्या उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसने अपना स्कीमा कैसे सेट किया हुआ है, उसका मूड कैसा है, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है उसके बिहेवियर्स की मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज एब्डोमिनल ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टू रिड्यूस एंग्जाइटी दैट टिपिकली मैग्निफाइज पेन सिग्नल्स। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स बताई गई हैं कि अगर आपके पास एंग्जाइटी का पेशेंट आ जाता है तो आपने उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, और 16 PMR जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आप करवाएंगे, जिससे जो है आपके क्लाइंट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, इसकी एंग्जाइटी जो है इसकी वजह से जो है काफी हद तक रिड्यूस होगी। ट्रीटमेंट अटेम्प्ट टू इंक्रीज बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद पेन सेल्फ मैनेजमेंट सच एज एडेप्टिव कोपिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद प्रोवाइडर्स फोकस ऑन इंक्रीज इन सेल्फ एफिकेसी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रॉब्लम ओरिएंटेड एजुकेशनल कोलेबरेटिव यूज क्लिनिक एंड होम प्रैक्टिस फॉर स्किल्स बिल्डिंग encourage expression and management of feelings that impair rehabilitation, address relationship among thoughts, feelings, behavior and physiology, anticipate setbacks and teaches clients how to manage these. Basically ये different cycle है pain को लेके कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी अगर accident की वजह से pain start होता है या किसी ऐसी चोट की वजह से उसको जो है वो pain start होता है या उसको कोई psychogenic pain है या किसी भी किस्म का अगर उसको pain होता है अगर वो उसके लिए अनबेयरेबल है तो वो क्या है कि अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा तो वो चीज उसके बढ़ के क्या है एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप उसकी एंग्जाइटी को मैनेज नहीं कर रहे, अगर हमारा पेशेंट एंग्जाइटी को मैनेज नहीं कर रहा तो उसकी उस चीज की वजह से जो है उसकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और अगर फैमिली भी डिस्टर्ब है और उन सब चीजों को फेस कर रहा है तो वो अगर आहिस्ता से चीजें जो है वो उसकी बढ़ रही है तो देन कन्वर्ट इन टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन में जो सबसे मेन मेजर सिम्टम होती है उसमें क्या होती है स्लीप डिस्टर्बेंस। हमारे पेशेंट की एक तो पेन उसको वो फील कर रहा है, फिर उसकी एंग्जाइटी और फैमिली की स्ट्रेसेस की वजह से जो है वो क्या है वो उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और देन इम्पेयर्ड एम्बुलेशन मेडिकेशन वरीज, उसको जाहिर फिर मेडिकेशन की भी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है कि मैं इतनी सारी मेडिकेशन लूँ, और अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इस चीज की स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन एंड कॉस्ट, जाहिर है उसके लिए ये चीजें जो है वो बार बार हॉस्पिटल जाना और चीजों को फेस करना और ये सारी कॉस्ट उसके लिए काफी एक्सपेंसिव होगी तो क्या है जो उसके लिए ये भी चीज जो है वो काफी स्ट्रेसफुल है, देन कन्वर्टेड टू पेन। यानी ये चीजें हमारा एक सर्कल है जो अगर इसमें से किसी एक जैसे अगर हम डिप्रेशन को मैनेज कर ले तो आई थिंक काफी हद तक हमारी क्लाइंट की जो है वो पेन मैनेजमेंट हो सकती है। तो ये डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज है जो हमारा पेन का जो पेशेंट है वो उन चीजों को फेस करता है, ये सर्कल है। ठीक है, अब डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग पेन परसेप्शन है, जैसे एज है, मीनिंग ऑफ पेन है, अटेंशन, कल्चर, पेन कंट्रोल, एंग्जाइटी, सेक्स, यानी कि पेन एक्सपीरियंसेस है, जब ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी पेन को तो जब इन चीजों को जो है वो हम फेस करते हैं। थैंक यू क्लास, और आज का आपका लेक्चर ये इतना ही था, और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आपने बायो साइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हुए मुझे एक सिनेरियो बनाना है और उसमें आपने बायो साइकोसोशल मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान मुझे बनाकर सेंड करना है। साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट आपने सेंड करना है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और उसको कोई पेन किस तरह का इश्यू है तो आप साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने भी चीजों को डिस्कस किया, और बायो साइकोसोशल मॉडल को आप फॉलो करेंगे। सेकेंड जो आप लोगों का काम है, जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आप अपने लेक्चर को जो है वो केयरफुली सुने, और इस लेक्चर की बेशक आप मुझे एक छोटी सी समरी बना के अपना नेम, रोल नंबर और अपना जो है क्लास थर्ड ईयर MBBS जरूर मेंशन करें। ठीक है, और आपने जो मेरा लेक्चर है उसमें कमेंट्स में आपने जो मुझे आंसर सेंड करना है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ वो ये है कि आप लोगों ने मुझे एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन इनकी जो साइकोलॉजिकली सिम्टम्स है ना उनके नेम्स आपने मुझे की पॉइंट्स में बना के कमेंट्स में सेंड करने हैं विद रोल नंबर। ठीक है, ये आप लोगों की आंसर का क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर करना है, और असाइनमेंट जो है वो आपकी आपने समरी लेक्चर की जो है वो मुझे सेंड करनी है। ठीक है, बस समरी सेंड करनी है, और दूसरा जो मैंने पहले कहा है कि आप लोगों ने एक सिनेरियो वो रहने दें, बस जस्ट मुझे एक समरी बनाकर आपने इसकी सेंड करनी है। और आप लोगों की असाइनमेंट सबमिशन होगी 5 o'clock, उसके बाद मैं किसी की भी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। थैंक यू क्लास, गुड लक।